बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां पर विकास दुबे एनकाउंटर के मामले में एसआईटी ने विकास दुबे मामले में रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने सरकार को मामले की रिपोर्ट सौंपी है। एमपी से यूपी लाते समय एनकाउंटर हुआ था, विकास दुबे को कानपुर एनकाउंटर में मारा गया था। तो बड़ी खबर को बता रहे हैं, जिस तरह से विकास दुबे एनकाउंटर पर एसआईटी का गठन हुआ था, अब यहां पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश से कानपुर लाते समय ये एनकाउंटर हुआ था, वहां एसआईटी का गठन किया गया था इस पूरे मामले को लेकर, अब यहां पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, तमाम सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था, एसआईटी ने अब अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये बिल्कुल साइलेंट, ये एसआईटी जो है के बाद जो है तो एनकाउंटर में मारा गया था। मध्य प्रदेश में जो है बड़ी ही नाटकीय तरीके से इसको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद यूपीएचएफ को जब इसको सौंपा गया तो राज्य में गाड़ी पलटने के बाद जो है एनकाउंटर में इसकी मौत हुई थी, जिसके बाद सरकार ने एसआईटी गठित की थी। आज जो है इतने समय बाद जो है एसआईटी ने जो पूरी रिपोर्ट है वो जांच रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी है, जिसमें कई ऐसे पहलू हैं, जिसमें कई ऐसे तथ्य हैं जिनकी पूरी जांच जो है एसआईटी ने की थी। यहाँ के जो है विकास दुबे जो है मध्य प्रदेश से यहाँ तक किस कैसे आया, कैसे गाड़ी पलटी, किन परिस्थितियों में जो है गोली चलानी पड़ी विकास दुबे के ऊपर यूपीएसएफ के पूरी टीम को, क्योंकि तमाम सवाल थे कि जब उसका जो है सरेंडर हो चुका था, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी, फिर विकास दुबे एनकाउंटर में कैसे मारा गया, तो तमाम ऐसे सवाल है जो पूरे संयुक्त जांच करने एसआईटी ने जो सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। अभी तक तमाम सवाल उठ रहे थे इस एसआईटी में, ये भी किया गया है कि आखिर पूरा जो है विकास दुबे इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी कैसे बना, कैसे जो है उसने जो है 8 पुलिसकर्मियों के मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद क्या सिचुएशन रही, कहां कहां वो छुपा रहा, इसके प्रदेश में किस तरह उसकी गिरफ्तारी की गई और उसके बाद कैसे एनकाउंटर में वो मारा गया। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।